हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आज आप सभी बच्चों को मिलाता हूँ। अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं और कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस बार आए हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी का, स्पेशली बच्चों का। प्लीज सभी बच्चों से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद चाहिएगा, जो भी इस वीडियो को देखेंगे। सबसे बड़ी बात आपकी होती है, वीडियो में इसलिए नहीं बनाता हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि चीजें क्या है कैसे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बच्चा आप पर बहुत ही इटर्नली क्या करता है, बिलीव करता है और आपको सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एक एक बहुत गुरु मंत्र बता रहा हूँ लास्ट में, शुरुआत ही बता ये चीजें कर देता हूँ। जिंदगी में आपको अगर आगे बढ़ना है ऑनेस्टली, तो प्लीज, कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी आगे जाना है इसलिए चीजें क्वालिटी प्लस के ऑनेस्टी को छोड़ देते हैं। और यदि आप थोड़े से भी ना, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 25 से 30 और 40% भी आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति ना, आपको पूरी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, और उतना आगे आप जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। एक एक बच्चे से मिलाता हूँ। ये वो बच्चा है जो गांव से निकल के लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, और मेरे यहाँ कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई ओडिशा से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई कैलकटा से, और ये जब जाते हैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ना मेरे बारे में क्या फील होता है, बट ऑनेस्टली मुझे काफी अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से, बिलीव करके आया होता है, और मैं कोशिश करता हूं कि यार हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। तो सबसे पहले हम, बेटा आप कहां से हो, इन्हें प्लीज माइक दीजिए, आप बताइए कहां से हो। माय नेम इज शिवा। इधर नहीं, कोई नहीं, हिंदी में बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं कानपुर से हूं सर। कानपुर से हो, कितने दिन हो गए आपको? मैं लगभग 15 दिन हो चुका है। 15 दिन यहाँ जो आपने पेमेंट हमें किया, उसका कुछ फायदा मिला कि नहीं? बिल्कुल सर, पूरा। क्या मिला थोड़ा सा बच्चों को बताइए प्लीज। मैं यहाँ आया था तो बोल ही नहीं पा रहा था, 2 से 3 दिन तो बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है सर, आपने कहा था कि आप 2 से 3 दिन रुकिए। ओके, बस इसके बाद में तुरंत इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ 10 दिन के बाद से। अच्छा, ऑनेस्टली ये बता दीजिए, वीडियो के लिए नहीं, ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, चाहे कमियां हो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि क्या हमारे यहाँ अकेडमी में आपको कमी लगी, और जो आप सोचकर आए थे यूट्यूब से, एक्चुअली वो मिल पाया कि नहीं मिल पाया? बिल्कुल मिला सर, 100% 100%। खाना वाना कोई कमी? कोई कमी नहीं सर। अच्छा, किस चीज में हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा प्लीज बताओ एक बार, मतलब तुम्हारे हिसाब से प्लीज एक बार ये बताओ कि सर आपको थोड़ा इस चीज में और सुधार कर लीजिएगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगे। सब चीज बेहतर है, नहीं फिर भी ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कह सकते हम सर। अच्छा जी, और बाकी अभी आप पहले ही जा रहे हैं, आपका दिन पूरा नहीं हुआ, दोबारा आप आएंगे? अगर समय मिला तो आएंगे, नहीं तो चीजें इतने से। कितने टॉपिक हो गए आपके अभी तक? 30+ हो चुके हैं सर। 30+ हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी? कोई कमी नहीं सर। ओके, और ओके बोलो बोलो बेस्ट। ओके, आपको जो पेमेंट किया उसका ऐसा तो नहीं हुआ कि सर मैं, मतलब जो सोचकर आया उतनी पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, पूरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया गया यहाँ पर। ओके, फिजिकल प्रॉपर हुआ है? प्रॉपर फिजिकल हुआ है। चलो, तुम आगे चल के बच्चों को सजेस्ट करोगे यहाँ आने के लिए? अभी भी बहुत समय है, 10 दिन बिल्कुल बचा हुआ है हर हालत में। 10 से 15 अगर आप 10 दिन के लिए भी आ रहे हैं यहाँ पर तो आपका 100%। आप कितने दिन रहे टोटली? अभी 15 दिन रहे। 15 दिन रहे और कितने टॉपिक हुए? 30+ हो गए। 30+ टॉपिक हो गए, ये बड़ी बात है, बहुत अच्छे। शुरुआत में नहीं बोल पा रहे थे, और अभी कहाँ से हो आप? कानपुर से सर। कानपुर से, बिल्कुल ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? शिवा। शिवा, शिवा 100% इस बार ज्वाइन करना एयरफोर्स, बिल्कुल ज्वाइन। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है प्लीज हमें बताना है। किसी भी बच्चे को जो नहीं भी आए हैं, कोई भी मेडिकल इश्यूज हो, कुछ भी हो, प्लीज आप जब रीमेडिकल आपको मिले या कुछ भी मिले, एक बार प्लीज जरूर बताइएगा। 100% मैं तुम्हारी बहुत हेल्प कर पाऊंगा। 8 साल से सारी चीजें हमें, मुझे क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं कि क्या पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू सो मच शिवा। जी सर। बेटा आप कहाँ से हो? जहन सर, माय नेम इज राजवीर, मैं राजस्थान से मास करने वाला हूँ। बहुत अच्छे, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को सर 15-16 दिन हो गए आज। राजवीर ऑनेस्टली बताइए, आपको जो आए, आपको कैसा यहाँ लगा? थोड़ा बहुत कुछ हुआ फायदा? 10-5% सर बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले बोलने में स्टार्टिंग में बिल्कुल एजुकेशन से आती है सर। राजवीर पिछली बार किसमें निकले हो आप? मैं पुसब में, पुसब में निकल चुके हैं। वहाँ से कहाँ से निकले? जोधपुर से। जोधपुर से वो सब में निकल चुके हैं और अभी दोबारा से आए हुए हैं, इसलिए पोस्चर वगैरह आपको फिजिकल भी करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। पोस्चर में आप आउट हुए हैं, ठीक है। और आप कितने टॉपिक हो गए अभी? लगभग सर 30+ टॉपिक हो चुके हैं अभी। 30+, ओके। राजवीर हमें क्या सुधार करने की और जरूरत है? आपको लगता होगा कि अकेडमी में सर थोड़ा ये चीज कमी रही? प्रॉपर सर घर वाली फीलिंग तो नहीं आ पाएगी, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो सर जैसा मिलता है यहाँ तो फिर भी अपने काम चला सकते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग पर जाएंगे तो उससे भी बेहतर नहीं मिल पाएगा हमको। बिल्कुल, तो फिर भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बात सही। जैसा मिलता है उसमें क्या ना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो आप सोचोगे जैसा चीजें आपको लगता है, कभी यार अकेडमी में आते हो तो बुरा लगता है सर खाना या ऐसा मान लो, तो चीजें उतनी आसान नहीं है। आप ट्रेनिंग में जाओगे 6 महीने की, वहाँ ट्रेनिंग है, वहाँ और ज्यादा टफ हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर। कितने टॉपिक हुए बेटा आपके? 30+ हो गए सर। 30+ हो गए, कितने दिन हुए आपको?
सर 14-15 दिन हुए। 14-15 दिन हुए। आपने कितने दिन का बैच लिया था? 20 दिन का। 20 दिन का बैच लिया था। ओके थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत लाभ मिला सर? पैसा वेस्ट हुआ या थोड़ा बहुत हो गया वसूल? नहीं सर, वसूल हुआ, प्रॉपरली वसूल हुआ। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। फिजिकल वगैरह ठीक हुआ? प्रॉपर सर, फिजिकल। सो 10 में से कितनी रैंक दोगे हमारी एकेडमी? सर 10 में से 9। बस झूठ मत बोलना प्लीज, जो कमी हो बताना, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों, जो बच्चे देख रहे हैं ना वो इस भरोसे आ रहे हैं कि भाई हाँ बच्चों ने बोला, और तुम लोग ये मान लो जो गलत भी कुछ भी हो, जो सच्चाई हो बता देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना? बिल्कुल भी। 9/10 देंगे सर। ओके थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो बेटा? सुमित, आपका नाम? सुमित। सुमित कहाँ से हो? आगरा चंबल घाटी। आगरा चंबल घाटी से। चंबल घाटी से। सुमित कितने दिन हुए आपको यहाँ? 18 दिन हो गए सर। टोटल मिलाकर मुझे दिन हो गए 25। 25 दिन ना? हाँ। पहले आप 10 दिन के लिए आए थे, सुमित पहले 10 दिन के लिए आया था, उसके बाद घर चला गया था कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर इसने बहुत अच्छे दमदार तरीके से तैयारी करी, और अभी पहले और दोबारा जो आया हुआ उसमें जमीन आसमान का अंतर था। पहले 10 दिन इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पाया, और उसके बाद जब आया पढ़ने के बाद 15-20 टॉपिक पिछली बार भी हो गए थे, फिर दोबारा आया 20 दिन के लिए, और अभी ये बहुत सुपर परफॉर्मेंस है। सो क्या कहोगे फाइनली? पहले ये कहूंगा मैं SD आना ही पड़ेगा भाई, एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो। ओके नहीं नहीं ये बता दो थोड़ा बहुत कि मतलब पैसा जो आपने दिया वो वसूल हुआ या नहीं? ऑनेस्टली ऑनेस्टली सर। यहाँ सबका मैनेजमेंट कैसा है हमारा? बढ़िया सर। क्या कमी है जो हमें सुधार करनी है? सर कुछ कमी नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता? नहीं कुछ कमी नहीं सर। एक आध तो बताओ। नहीं सर कुछ नहीं। टॉपिक कितने हो गए? 42 टॉपिक हुए। 42 टॉपिक, बहुत बढ़िया। और कितने दिन हुए हैं सर? मुझे 25 या 26। 25 और 26 दिन, 10 दिन पहले और 18-19 दिन ये हुआ, लगभग 26-27 दिन हो चुके हैं। सो फाइनली अभी मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब यहाँ अकेडमी में ये तो बताओ बच्चों को कि भाई आप आओगे तो ये कमी है थोड़ी सी? नहीं कुछ कमी नहीं है भाई। अच्छा परफेक्ट है? परफेक्ट है। फिजिकल वगैरह? नहीं सब ठीक है। सब अच्छा हुआ? और कोई किसी का डिसिप्लिन वगैरह? हमारा सब डिसिप्लिन सही है। सुदेश सर को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 सर। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लड़का है सुमित। पहले 10 दिन बिल्कुल ऐसा रहा कि हम जान ही नहीं पाए इसको, और लास्ट के 20 दिन में इतना खुल गया फिर, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बेहतरीन बोला है, मतलब मुझे लगता है इसका जो पहले का 10 दिन पैसा दिया और बाद का पूरा वसूल हुआ है, उस लेवल पर इसने मेहनत करी है। थैंक यू सो मच सुमित, विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए बेटा आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम अवधेश राजपूत है। अवधेश की सबसे बड़ी बात मैं आपको खुद बता रहा हूँ, बच्चे वीडियो में कहते हैं बच्चों को तो बोलने ही देते थे और आप ही बताते रहते हैं। अवधेश की सबसे अच्छी बात है कि इसने सच में मेहनत बहुत ज्यादा करी है। ये इस जगह पर कोई और होता बच्चा तो वो 2-3 दिन में भाग जाता है कि सर मुझसे नहीं होगा, पहले ये नहीं बोल पाया, दबाव में आया, और इसने इतनी मेहनत करी कि अभी सुपर परफॉर्मेंस दे रहा है। सो अवधेश कितना पेमेंट किया आपने हमें? मैंने 10,000 पेमेंट किया। 10,000 कितने दिन आप रहे? 20 दिन रहा हूँ मैं। पूरे हो गए 20 दिन? हाँ पूरे हो गए। रहना खाना कैसा है? रहना खाना बहुत बढ़िया है। और पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है। हमारी टीम को कितनी रैंक दोगे आप? 9.5। पक्का? यस सर। अच्छा ये जरूर बताना पड़ेगा आपको कि कमी जो है उसमें क्या सुधार करना है, एक कोई कमी बताओ प्लीज। सर ऐसी कोई कमी नहीं है, देखो फिर भी लगभग नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। पढ़ाई भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, और फिजिकल तो बहुत ही अच्छा है। ओके बट जो भी मैं सब भाइयों से कहना चाहूंगा, जो भी आए यहाँ पे, बट भाई फिजिकल के लिए यहाँ पे मना मत करना आके, दोनों टाइम फिजिकल होता है, बहाना मत बनाना। कोई भी फिजिकल में कोई यहाँ पे छूट नहीं मिलती। फिजिकल अरुण भाई ने कैसा कराया? बहुत अरुण भैया बहुत अच्छा फिजिकल कराया था। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। सो आपके पैसा जो 10,000 दिए है आपको क्या लग रहा है, वेस्ट हो गया थोड़ा बहुत लाभ हुआ? नहीं सर पूरा 100% लाभ मिला है पैसे का। ओके कितने टॉपिक कर लिए आपने? मैंने 35 टॉपिक कर लिए होंगे। बहुत बढ़िया, और डिबेट प्रॉपर हुई है सब? हाँ, प्रॉपर सब पे डिबेट हुई है, प्रॉपर जितने टॉपिक हो गए उन पे सब पे डिबेट हुई है। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, चलिए। सो थैंक यू सो मच, आपका नाम? अवधेश राजपूत। अवधेश तो अगली बार बच्चों को सजेस्ट करोगे? बिल्कुल सर, इसी बार भी करना चाहता हूँ, अभी 15 दिन बचे हैं भाई, अभी एडमिट कार्ड आने वाला है, इससे पहले आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके एंड बेटा प्लीज आप बताइए आपका नाम क्या है? यस सर मेरा नाम नितिन कुमार तिवारी है, मैं बाराबंकी से। नितिन कुमार तिवारी कहाँ से हो? बाराबंकी से सर। नितिन भाई मुझे ऐसा लगता है अभी मैं आपको जान नहीं पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट हैं, बच्चा एक कम बोलता है और थोड़ा सा ऐसे हेजिटेशन है, लेकिन अभी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी बात क्या है, देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 दिन आए और नहीं बोल पाए ना तो दबाव में आ जाता है और वो कहते हैं सर मेरा मन नहीं लग रहा मैं घर जा रहा हूँ। ये न तो दबाव में आया, लगातार जब तक ये पास नहीं हुआ मैं फेल करता रहा इसको डिबेट में, जब अच्छा नहीं बोला लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी है, और अभी फाइनली लगभग 40% इसने चीजें बिल्कुल ओवरऑल कर ली है, मतलब क्लियर है बिल्कुल 40%, बस केवल अब इसे प्रैक्टिस धीरे धीरे खुलनी है और वो बची हुई है। इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक बहुत अच्छा हो गया है, डिबेट करना आ गया है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि प्रैक्टिस डालनी है। कितने टॉपिक हुए आपके? सर 20-21 हो गए। 20-21। नितिन भाई कितना पेमेंट किया आपने हमें? सर 10,000। 10,000 कितने दिन का? सर 20 दिन का। रहना खाना थोड़ा बहुत ठीक है? ठीक है सब बढ़िया। और फिजिकल? सब बढ़िया सर। अच्छा ये बता दो
कमी क्या है थोड़े से जो तुम्हें लगे कि सर आपने फोन पर ये कहा था और यहाँ ये कमी मिले? नहीं, उससे भी अच्छा मिला सर, जैसा आप सोचे थे हम उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा है। यस सर। बढ़िया, पढ़ाई सही हुई? जी सर, पढ़ाई बहुत। ओके, और कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा, तो अच्छा फाइनली वो चलो फटाफट पवन को बोलो जल्दी। अच्छा ये बताइए सो फाइनली आप कहाँ से हो? बाराबंकी से। बाराबंकी से? ओके, तो बाराबंकी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। तो कभी दोबारा आप कोई बच्चे होंगे तो उनको सजेस्ट करोगे यहाँ आने में? यस सर, बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी कितने दिन और बचे होंगे आपके? सर अभी 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन बचे हुए, पूरा रुक के जाना है? जी सर। ठीक है, फिजिकल हुआ प्रॉपर? जी। अच्छा सारी चीजें ठीक हैं? सारी चीजें पक्का? 10 में से कितनी रैंक दोगे? 10 में से 10 देंगे सर। 10 में से 10, 100%? यस सर। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नो सर। ओके चलो, थैंक यू सो मच। बेटा आपका नाम क्या है? घनश्याम सिंह। घनश्याम, कहाँ से हो बेटा? औरैया जिला। औरैया, बहुत अच्छे। घनश्याम औरैया से आप कैसे पता चला आपको? सर वीडियो देख के। वीडियो देख के? किसका वीडियो देखा? आपकी का सर देखा। नहीं, औरैया में कोई और भी बच्चे आए थे पहले? सर गलत थी। जल्दी बोलो पवन से। अच्छा गर्ल्स का देखा था? तो घनश्याम आपको सच बताओ क्या लगा कि सर मुझे थोड़ा सा जो मैंने सोचा था वो नहीं मिला, ऐसा था? सर उससे ज्यादा मिला। अच्छा घनश्याम भाई कितने टॉपिक हो गए आपके? 30+। घनश्याम की सबसे बड़ी बात पहले भी आ चुका है सर वीडियो में एक में, घनश्याम तीसरी बार एग्जाम निकाला है, ये बहुत बड़ी। ऐसे बच्चों से सर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बच्चा ना एक बार में हार जाता है, एक बार में हार जाता है कि सर अब मुझसे नहीं होगा, देखा जाएगा। इस बच्चे ने हार नहीं मानी है भाई। तीसरी बार आपको मजाक लग रहा होगा, बहुत बड़ी बात है यार। तीसरी बार दो बार निकल जाना, एक बार जीडी में फेल होना, एक बार मेडिकल में निकल जाना, फिर तीसरी बार ट्राई करना, और मैं चैलेंज कर रहा हूं आप देख लेना। इस बार ये रह जाए तो मैं आपको इसका सब कुछ दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट से लेके सिलेक्शन का लेके पूरा, क्योंकि भगवान कई बार आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि आप कितना पेशेंटली चीजों का वेट कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लड़का है, मैच्योर जिसे बोलते हैं, समझदारी। घनश्याम एक चीज जरूर बतानी पड़ेगी, तुम मैच्योर हो, समझदार हो। यस सर। हमें क्या चीज में सुधार करना है जिससे हमारी और ग्रोथ हो जाएगी? सर थोड़ा एकेडमी में ये चीज चेंज कर लेना सर, बेहतर है सर। नहीं प्लीज एक चीज बताओ, कोई भी एक चीज हमें अच्छा लगेगा। कमी कुछ नहीं है सर। तुम और भी एकेडमी गए हो, तुम सीनियर बच्चे हो, दो तीन बार एग्जाम निकाला है, ये बता दो सर थोड़ा ये कर लो जिससे बच्चे और सुविधाएं मतलब चीजें अच्छी हो जाएंगे। सर बेहतर है सब कुछ सर। सब कुछ ठीक है? यस सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कितना पेमेंट किया आपने हमें? 8000। कितने दिन आप रहे हैं अभी सर? 15 दिन का बेस्ट था लगभग आपका। ओके कितने टॉपिक हो गए? 30+। 30+ हो गए, बढ़िया बोल पा रहे हो। यस सर। यहाँ क्या बदलाव आया तुम्हें डिबेट में? सर पहले एजिटेशन होती थी, अब नहीं होती है। अब नहीं होती ना एजिटेशन? ओके, इससे पहले कहाँ तैयारी करी थी? इससे पहले कहीं नहीं सर। कहीं नहीं करी? नहीं सर। ओके ओके, घनश्याम बहुत बेहतरीन लड़का है, तीसरी बार एग्जाम निकल रहा है, और इस बार देखना ये सब बच्चे वीडियो में जो आप देख रहे हैं इन सब की एक एक की डिटेल डालूंगा मैं, आपको पता चल जाएगा कितने सेलेक्ट हुए, इसलिए कोई दिक्कत मत लीजिए। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, देखो यार ये बच्चा ना जो डिफेंस का बच्चा है, मैं वैसे नहीं बोल रहा बनावटी बात है, ये वो बच्चा है जो तुम पर आंख बंद करके बिलीव करता है, और हमेशा ऐसा नहीं कि पहली बार है कोई, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे इस बच्चे से इतना अटैचमेंट हो गया कि मैंने बाकी के जो बच्चे पुलिस के जो होते हैं मैंने पढ़ाई नहीं कभी, मैंने बंद कर दिया पुलिस वालों का, क्योंकि इनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है यार। सबसे बड़ी बात यह डिसिप्लिन बच्चा होता है, और हमने भी ये सोच लिया है कि यार आगे चाहे हमें घाटा पड़े या फायदा, लेकिन हम कभी हमने ज्यादा सुविधाएं नहीं दी, पर हमने अंदर से जो बोलते ना कि जानबूझकर आपने सर ये किया जो कि नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ, हमने वो नहीं किया, ना हमारा कोई इंटेंशन था। कुछ बच्चे मुझे समझ जाते हैं, कुछ नहीं भी समझ पाते हैं कि सर वैसे ही कहते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं, बहुत कुछ इन बच्चों ने मुझे दिया है, इसका मैं ऐसा नहीं कि कोई मैं एरोगेंस है मेरे अंदर, अरे बच्चों का क्या है मैं मेहनत करता हूं इसलिए मेरी, नहीं सब कुछ इन्होंने दिया है। मैं आगे और बदलाव करूंगा, मेहनत करता रहूंगा, एक्सेप्ट गलतियों को 100% एक्सेप्ट करूंगा, उनमें सुधार करूंगा। थैंक यू सो मच। 148 बच्चे अभी तक आ चुके हैं इस एकेडमी में, 148 बहुत बड़ी संख्या मेरे हिसाब से, इतना विश्वास करके, और आप देखिएगा सारे बच्चों का परफॉर्मेंस, मैंने कोशिश करी है बिल्कुल दिक्कत ना हो। पिछली बार 90% बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनकी एक एक डिटेल मेरे पास है और उन्होंने डाली है, गए हैं वो जॉइनिंग पर, बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। 10 से 15 दिन के लिए आप भी आ रहे हैं, अभी भी टाइम है, तो जीडी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम कितना भी मेहनत करनी पड़े करा देंगे, और किसी को कुछ भी करना कहना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन बच्चों के लिए सभी एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बहुत बहुत आभार।